कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आज एक बार फिर से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ जो है वो बीजेपी लीडर विक्रम रंधावा जी और श्याम लंगत जी द्वारा और उनके तमाम साथियों द्वारा जोरदार इस समय जो है प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। लगातार जो है वो दिल्ली अमृतसर जम्मू कटरा एक्सप्रेस हाईवे का जो काम जम्मू में यहाँ पर चल रहा है उसी को लेकर लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि ब्लाइंड बार जो बनाए जा रहे हैं उससे कारोबार से जुड़े जो लोग हैं उन पर जो है वो काफी ज्यादा असर पड़ने वाला है। और जिस काफी ज्यादा तादाद में लोग आज फिर से कुंजवानी में यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसमें बीजेपी नेता विक्रम रंधावा जी और श्याम लंगर जी उनके तमाम लगातार नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ इस समय जोरदार हंगामा यहाँ पर करते हुए, और देख सकते हैं कि जो भी दीवारें यहाँ पर बनाई गई है उनकी तोड़ फोड़ भी यहाँ पर की जा रही है। तो आप सब लोग भी अपने अपने राय जरूर साझा करते चले कि जिस तरह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ये जो काम किया जा रहा है इसको लेकर आप चर्चा करके कुछ कहना है, लेकिन वही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं उनका ये कहना है कि उनको अभी तक कोई भी लिखित में ऐसी जो है कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐसी कोई भी हिदायत जो है नहीं मिली है कि जिससे वो जो है ब्लाइंड बार बनाना बंद करें या फिर हाईवे के इस काम को जो है वो रोके। हंगामा इस समय यहाँ पर होता हुआ और लगातार जो दीवारें यहाँ पर बनाई गई हैं उन्हें जो है वो इस समय यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। लोगों में गुस्सा किस तरह से आप देख सकते हैं, पिछले कल भी सैनी कॉलोनी में प्रोटेस्ट हुआ था और उससे पहले नरवाल में, तो लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ गुस्सा जो है वो आप लोगों में इस समय यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चले और अपनी राय भी जरूर साझा करें, क्योंकि बड़ा आंदोलन आप जम्मू में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ
शुरू हो चुका है और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो भी मशीनें वगैरह हैं उन्हें जो है वो यहाँ से हटाने को कहा जा रहा है ताकि काम को जो है वो रोका जा सके। विक्रम रंधावा जी इस समय यहाँ पर मौजूद है और वहीं बीजेपी से श्याम लंगर जी भी यहाँ पर मौजूद, हर किसी में गुस्से की लहर है। लोकल्स लोगों की बात करें तो वो भी इस समय यहाँ पर साथ में, लेकिन काम जो चल रहा है उसे जो है वो इस समय यहाँ पर रोका जा रहा है। आप सब लोग भी अपने अपने राय जरूर साझा करें कि जिस तरह से ये कुंजवानी में जो भी एक्सप्रेस वे का काम चल रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि लगातार तोड़फोड़ इस समय यहाँ पर होती हुई और लगातार आज ये कहें कि काफी दिनों से लगातार इस तरह से जो गुस्सा है वो जो है वो यहाँ पर लोगों का जारी है। माध्यम से लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं बीजेपी नेता विक्रम रंधावा जी और श्याम लंगर जी समर्थक इस समय यहाँ पर मौजूद। ये समूचा इलाका नहीं, अब तो जम्मू भी उबलना शुरू हो गया है। जम्मू के घर घर तक ये आवाज पहुंच रही है कि ये प्लानिंग के साथ कुंजवानी जो जम्मू का एंट्री पॉइंट है, हमारा मुकुटमणि है, उसको पूरी तरह से तहस नहस करने की प्लानिंग है एनएचए ने कुछ जम्मू के ही मिले हुए कालिए भेड़ियों के साथ की है। वक्त आने पे उनको भी हम नंगा करेंगे कौन लोग थे, लेकिन ये यकीनन है ये जम्मू का आंदोलन है, ये गैर राजनीतिक है और जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसे हम लोगों से टकराना पड़ेगा। हमारी एक ही डिमांड है, फ्लाई ओवर जैसे पिलर्स भी आ रहा है वैसे ये कुंजवानी से बावे वाली माता वाले चौक तक फ्लाई ओवर पिलर पे जाना चाहिए और हमारी कोई डिमांड नहीं है। ये कंस्ट्रक्शन किस लेवल की कर रहे हैं, ये मिट्टी कहाँ से आ रही है, इसकी माइनिंग कौन पे कर रहा है, हमें सब पता है कौन कौन सी पहाड़ी को काट के ये फिलिंग का सौदा हुआ है, हमें सब पता है। हम उन चीजों पे नहीं जाना चाहते, हमें मजबूर मत करे काली भेड़ों को नंगा करने के लिए। हम अभी एनएचए को वार्न कर रहे हैं, ये जम्मू की मूवमेंट को सैबोटेज कराने का प्रयास जिन जम्मू के दलालों से करवा रहे हो मत कराओ, हम उनको नंगा करने में भी समय नहीं लगाएंगे। अभी हमने संयम रखा हुआ है, हमारा एक ही राग है जो हमने लेके रहना है कि ये फ्लाई ओवर जो है कुंजवानी से लेके पूरे माता के चौक तक, बावे वाली माता के चौक तक जो है वो पिलर पे बनना चाहिए, इसके अलावा और कोई डिमांड। लगातार जिस तरीके से आपने आरओ से मुलाकात की, उन्होंने आपको माना कि हम काम को रोकेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी काम चलता रहा, ये दोहरा चरित्र क्यों है? सब मिले हुए हैं, यहाँ आरओ या एनएच के लोगों की स्थिति ये बन चुकी है कि जनता को कह रहे हैं सो जाओ और चोरों को कह रहे हैं लगे रहो, रात को काम चलाते हैं, चोरी काम चलाते हैं, लेकिन ये हमारी मूवमेंट कोई दो तीन चार घंटों की मूवमेंट नहीं है, ये 24 आवर्स की मूवमेंट है। इसको मूवमेंट को हम और भी उग्र करेंगे, ये हमें मजबूर मत करें। ये लड़ाई अब जम्मू की हो चुकी है और समूचा जम्मू, ये बात कुंजवानी सैनिक कलोनी छनी हिम्मत छनी चौधरी या फिर आप लेख चलो बठिंडी नरवाल की नहीं है, ये पूरे जम्मू की बात है। एक ही ऐसी कमर्शियल स्टच है जिसकी थोड़ी बहुत जम्मू में साख बची है, जिसका कारोबार बचा हुआ है, वो कारोबार खत्म करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन आपके माध्यम से मैं उन इदारों को भी अलर्ट कर देना चाहता हूं जो सो कॉल्ड जम्मू के लीडर बने हुए हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहे हैं और पीठ के पीछे से इस मूवमेंट को खुरेदने का प्रयास कर रहे हैं। हमें सारी बातों का रिपोर्टिंग आ रही है कि वो प्रयास कर रहे हैं कि मूवमेंट को डैमेज किया जाए, हम मूवमेंट को डैमेज नहीं होने देंगे, ना इसकी कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये जो लड़ाई है कि पिलर के ऊपर हमें फ्लाई ओवर है वो हमने लेके रहे। नितिन गडकरी साहब की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं ये बिल्कुल सही है।
सर क्या कहना चाहेंगे इस तरह फिर हमें रोड ब्लॉक किया है? देखिए ऐसे हमने रोड नहीं ब्लॉक किया, हमें सीसी के सामने हमने रोड ब्लॉक नहीं करना है ना किसी को हमने परेशान करना है। हमारा एक ही मकसद है कि आप देखिए यहाँ से 3 किलोमीटर है नीचे कचवानी और 5 किलोमीटर नीचे है, 5 किलोमीटर ऊपर है ग्रेटर क्लास। अगर यहाँ से किसी को पार जाना होगा तो कैसे जाए? एक ह्यूमन बीइंग इंसानियत दिमाग से सोचा जाए, ये बहुत गलत हो रहा है। हम सिंपल हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि पिलरों के ऊपर फ्लाईओवर बने। जैसे जीवल में इन्होंने जगह जगह कट रखे हुए हैं आर पार जाने के लिए, जब किनार रोड से लेकर मुट्ठी तक का क्रॉसिंग है हर जगह, तो ऐसे यहाँ पे भी होना चाहिए। ये NH की गुंडागर्दी जो है ये कम से कम इनको आखिर एक दिन झुकना पड़ेगा, क्योंकि इनको 10 लाख पॉपुलेशन दिखनी रही है। यहाँ पे मैंने बहुत दफा बोल दिया है कि मल्टी नेशनल हॉस्पिटल है, इंटरनेशनल स्कूल सर्विस 25 बंकट हाल से ब्रिगेड आर्मी का, फिर उसके बाद कचवानी से लेकर नरवाल वाला तक 60-70 करोड़ रुपया महीने का टैक्स जाता है। अगर जो 60-70 करोड़ रुपया टैक्स जाता है, अगर ये ब्लाइंड वाल बनती है तो टैक्स की रेशियो जो है मेरा ख्याल है कि 2 करोड़, वो भी सरकार को नुकसान है, आम पब्लिक के लिए भी नुकसान है कि इस बार से उस बार जाना कैसे जाएंगे। तो हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि कुचवानी से लेकर निर्वाड़ वाला तक पिलरों पे ये बनाया जाए, आम लोगों को सुविधा हो, सरकार को भी परेशानी ना हो। आने वाले 100 साल में कुचवानी से लेकर निर्वाड़ तक कहीं जमीन की स्वीकृति नहीं मिलेगी। 1965 में इन्होंने 40 फुट रोड बनाई थी, 2000 में 150 फुट बनाई, अभी 150 फुट से फिर 50 फुट बना रहे हैं। मैक्सिमम जो गाड़ी है लोकल 10 लाख पॉपुलेशन की वो नीचे घूमनी है, ना कि फ्लाई ओवर पे, अपना इसके एक्सप्रेस हाईवे पे, उसमें गाड़ी आनी है 5-7% जो बाहर से आएगी, मैक्सिमम ट्रैफिक नीचे है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि इनको पिलरों पे बनाया जाए फ्लाई ओवर को, तो आम लोगों को राहत मिले, आम लोगों को सहूलत मिले, जिससे किसी को भी कोई परेशानी ना हो। सर क्या लगता है यहाँ पे थोड़ी देर आगे थोड़ी सी आगे जाएंगे कुछ मीटर आगे जाएंगे हमने यहाँ से अपने बच्चों को रोजी रोटी खिला लिया, अगर हम अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाएंगे तो क्या सरकारों को वोट देंगे? ये हम जम्मू कश्मीर के लोग ही हैं जिन्होंने 25 सीटें दी, जहाँ से आपको पूरा दिन धक्के मिलते हैं आप उनकी बातें करते हो, और उनके अगर अभी जाके नितिन गडकरी साहब श्रीनगर में बैठ गए जाके जम्मू वालों को पूछने हैं, जिन्होंने सीटें दी उनको कोई कुछ नहीं पूछेगा, जो छित्तर मारते हैं उनके पास जाते हैं दौड़ दौड़ के। यहाँ पर बड़ा प्रोटेस्ट जो है रंधावा सर, एक सवाल यह है, क्या ये एक बड़ा एम्स की तरह या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरह एक बड़ा प्रदर्शन तो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? जम्मू समझ चुका है ये कुंजवानी नरवाल इकलौती ही बची हुई कमर्शियल स्ट्रेच थी, रघुनाथ बाजार का बिजनेस खत्म हो चुका है, अप्सरा रोड का बिजनेस खत्म हो चुका है, छन्नी में तो खामी शाम को शराब और मुर्गे का काम है, बाकी कोई काम नहीं है। जो रोजी रोटी एक गोलगप्पे वाले से लेके एक शोरूम वाला अपने बच्चे 200 घरों के 100 घरों के बच्चे पाल रहा है वो सिर्फ कुंजवानी से नरवाल का एरिया है। ये कौन लोग है जिन्होंने ये डिजाइन के लिए NHA के लोगों के साथ मिलकर ये किया है? इसमें जम्मू के दलाल जम्मू की काली बेड़े भी हैं, वक्त आने पे सारे उनको हम नंगा करेंगे और इनको घरों से बाहर नहीं निकलने देंगे, ऐसे हालात बना देंगे। बाकी को जम्मू का नागरिक अपनी बात रखते हैं, हम उसको मना नहीं कर सकते, वो हमें राइट अपनी बात रखने का, लेकिन मुझे इतना पता है कि नितिन गडकरी साहब भी अथॉरिटी के खिलाफ है। उन्होंने मैं श्रीनगर में कहा था कि इनकी टांगे तोड़ दो, और फिर हमें बताओ इनको कहा उन्होंने कि डिजाइन चेंज करने के लिए दिल्ली भेजो और तब तक काम बंद रखो, लेकिन ये जो दलाल बीच में बैठे हैं ये काम बंद नहीं होना देना चाहते, और वहां पर रिपोर्टिंग ये देंगे कि हमने 60% काम कर दिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। क्या ये पॉसिबल है कि एक केंद्रीय मंत्री एक NHA के अधिकारी को बोलेगा और एक केंद्रीय मंत्री की बात न सुनकर एक
एनएचए का अधिकारी अपनी मनमानी करेगा। अरे भैया तभी तो मूवमेंट्स खड़ी होती है ना, तभी मूवमेंट्स खड़ी हो रही है, ये तभी जम्मू उबला है। ये गडकरी जी का वैसा बयान तो नहीं है जैसा वो सरोल टोल के प्लाजा के लिए आया था कि 44 किलोमीटर में दो टोल नहीं हो सकते, वो लेकिन वो भी दो साल जो टोल दिया जम्मू वालों, वो इस मामले में बहुत सीरियस है। शायद सोमवार या मंगलवार को जम्मू से 5-6 प्रमुख जो नागरिक जो व्यापारी जो इस रोड पे अफेक्टेड है वो लोग जाएंगे और पूरी तरह से कंक्रीट कोई डिसीजन लेके इस काम को पूरा बंद कराएंगे। हमने पूरा फ्लाईओवर पिलर्स पे लेना है, हमें कहीं पर भी दीवार नहीं बदले देनी। रंधावा सर एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है, यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जम्मू रियासी के जुगल किशोर शर्मा जी, पीओ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह बैठे हुए हैं, क्या उनको इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए नेशनल हाईवे 30 हाय हाय।